एक्सोनमी एंड एकोलॉजी ऑफ स्पाइडर्स स्पाइडर्स आर एरे बिलोंग टू पायलम आर्थरो बिलोंग टू सब क्लास टैलिस एंड ऑर्डर एरेनी स्पाइडर्स ये पॉइजनस एरेक्नेट्स हैं विच आर प्रीडेशियस एंड फ्लूड फ्यूडर्स स्पाइडर्स अपने प्रे की बॉडी को मुकम्मल तौर पर कंज्यूम नहीं करते बल्कि ये अपने इंसेक्ट या अपने प्रे की जो बॉडी है उसका जो फ्लूड है जो उसका सैप है उसको सक करते हैं उसके बाद स्पाइडर्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी जो बॉडी है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट प्रोसोमा एंड ऑफिस्तोसोमा उसके अलावा ये जो दोनों पार्ट हैं प्रोसोमा एंड ऑफिस्तोसोमा दे आर कनेक्टेड बाय्रक्चर विच इज नोन्ड एज पेडिसल अगर हम प्रोसोमा की बात करें तो प्रोसोमा इज डॉसली कवर्ड बाय्रक्चर विच इज नोन्ड एज कैरापेस ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है अगर स्पाइडर्स की बॉडी की हम वेंटल साइड की बात करें तो जो वेंटल पार्ट है प्रोसोमा का इट इज कवर्ड बाय टू कार्टेस प्लेट्स इसमें एक जो प्लेट है उसको लेबियम और दूसरी जो लार्ज प्लेट है उसको स्टर्नम कहते हैं उसके अलावा जो प्रोसोमा है इसके ऊपर आइस और सिक्स पेयर्स ऑफ अपेंडिजिस हैं अब ये जो सिक्स पेयर्स ऑफ अपडिजिस हैं इनमें फोर पेयर्स ऑफ फंक्शनल या वॉकिंग लेग्स हैं उसके अलावा इस पार्ट के साथ चैलीसरा अटैच होता है विच कंटेन ए पॉइजनस ग्लैंड उसके अलावा जो फोर वॉकिंग लेग्स हैं इनके अगर हम पार्ट्स की बात करें इनके सेगमेंट्स की बात करें तो ईच लेग है सेवन सेगमेंट्स उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है स्पाइडर की बॉडी का उसको हम ऑपिस्तोसोमा कहते हैं अब ऑपिस्तोसोमा वो स्ट्रक्चर है जिसके साथ स्पिंड अटैच है स्पिनर्स वो स्ट्रक्चर है जिससे सिल्क की प्रोडक्शन होती है उसके अलावा जो जेनिटल ऑर्गन जिसको हम एपी कहते हैं फीमेल के अंदर इट इज ऑल्सो अटैच और प्रेजेंट इन दिस पार्ट उसके अलावा बुक लंग्स भी इसी हिस्से के अंदर मौजूद होते हैं अब जो स्पाइडर्स हैं दे मे बी नॉक्टर्नल और डायरनल डॉक्टर से मुराद ये है कि स्पाइडर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो रात के वक्त एक्टिव होते हैं जो अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए रात के वक्त निकलते हैं फील्ड के अंदर या स्पाइडर डायनल हो सकते हैं डायनल स्पाइडर से मुराद है कि ऐसे स्पाइडर्स जो कि दिन के वक्त एक्टिव होते हैं उसके अलावा स्पाइडर्स की एक खास टाइप जिनको हम वुल स्पाइडर्स कहते हैं ये एक्टिव हंटर्स हैं ये अपने प्रे को चेस करते हैं और वुल्फ स्पाइडर्स ये स्पाइडर्स की एक फैमिली लाइकोसिडी से बिलोंग करते हैं और ये फैमिली ग्राउंड के ऊपर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली फैमिली है ये डोमिनेट कर रही होती है उसके अलावा दूसरे जो स्पाइडर्स की टाइप है वो सिट एंड वेट प्रीडेटर्स हैं इसके अंदर और पेप स्पाइडर्स हैं ये स्पाइडर्स अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए वेब बनाते हैं और अपने वेब के अंदर बैठकर इंतजार करते हैं कि प्रे आए और इनके वेब के अंदर इनके जाल के अंदर आके फंसे इसी तरीके से स्पाइडर्स की एक और टाइप जिनको हम जंपिंग स्पाइडर्स कहते हैं जंपिंग स्पाइडर्स के अंदर यह सलाहियत होती है कि दे कैन हैव लॉन्ग जंप्स ये जो जंपिंग स्पाइडर्स हैं इनकी जो मीडियन आइज है वो काफी बड़ी होती हैं और इनकी जो आई साइट है वो काफी होती है उसके अलावा एक और स्पाइडर की किस्म जिसको हम क्रैब स्पाइडर्स कहते हैं क्रैब स्पाइडर्स आमतौर पर जो फ्लावर्स हैं उनके जो पैटल्स हैं उसके साथ कैमोफ्लैच कर जाते हैं ये डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं आमतौर पर जिस कलर के फ्लावर्स होते हैं उसी किस्म की कलरेशन ये अडॉप्ट कर लेते हैं और ये वहां पर चुप के अपने प्रे का इंतजार करते हैं उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ जो स्पाइडर्स हैं दे फीड ऑन द इंसेक्ट्स सिर्फ चंद स्पाइडर्स ऐसे हैं जो के रिपोर्ट हुए हैं कि वो प्लांट्स के जो नेक्टर्स हैं उनके ऊपर फीड करते हैं उसके अलावा स्पाइडर्स के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि दे कैन सरवाइव फूड फॉर मैनी मेटाबॉलिक रेट को कम कर लेते हैं और काफी लंबे अरसे तक बगैर खाए पिए जिंदा रहते हैं उसके अलावा अगर हम स्पाइडर्स की बात करें तो सिर्फ चंद स्पाइडर्स ऐसे हैं जो कि डेंजरस हैं जिसमें एक कॉमन स्पीशीज लेट्रोडस इस जीनस के जो स्पाइडर्स है इनका जो वैनम है वो काफी पॉइजनस होता है और इससे पेन और इवन ये डेथ का सबब भी बन सकते हैं लेकिन ज्यादातर जो स्पाइडर्स जो कॉमन है हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हैं, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस नहीं है माइनर एलर्जिक रिएक्शन कास्ट कर सकते हैं उसके अलावा स्पाइडर्स के अंदर रीजनरेशन की पावर काफी ज्यादा होती है अगर इनके बॉडी के पार्ट्स टूट जाएं तो ये उनको रीजनरेट करने की सलाहियत रखते हैं लेकिन जो रीजनरेशन की पावर है ये डिफरेंट फैमिलीज के अंदर वेरी करती है आमतौर पर स्पाइडर्स के अंदर सेक्सुअल डायमोफिजम पाया जाता है और ये देखा गया है कि मेटिंग के बाद जो फीमेल स्पाइडर्स हैं ये मेल जो स्पाइडर्स होते हैं उसके सैप को सक कर लेते हैं यानी मेटिंग के बाद जो फीमेल स्पाइडर्स हैं ये मेल स्पाइडर्स को खा जाती हैं उसके अलावा बहुत सारे स्पाइडर्स ऐसे भी देखे हैं कि फील्ड के अंदर वो अपने जो एग सैक्स हैं उनको अपने एबडोमिन के ऊपर कैरी करते हैं इनके अंदर पेरेंटल केयर पाया जाता है और इनके जो स्पाइडर लिंग्स हैं यानी यंग वंस वो कुछ अरसा तक एबडोमन के ऊपर या जो मदर है उसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि वो इंडिपेंडेंटली खुद से खुराक हासिल कर सकें तो स्पाइडर्स जो है ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है इसके अंदर तकरीबन 46,000 से भी ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी मौजूद है और अगर हम डाइवर्सिटी के हिसाब से बात करें तो इसकी जो फैमिली साल्टीसिडी है वो सबसे ज्यादा डायवर्स है और उसके अंदर सबसे ज्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं।